राम राम भाई सभी नु दोस्तों, आज आए हैं हुंडई के शोरूम में। ठीक है गाइस, क्रेटा एनलाइन हमारे पास में, ये BS6 2.0 वेरिएंट है। गाइस हुंडई का जो मार्केट है काफी अच्छा रहा है, और जब से क्रेटा जो है मार्केट में आई है इतने अच्छे शानदार फीचर के साथ में, इतनी अच्छी गुड लुकिंग के साथ में, गाइस इस गाड़ी ने जो कम्पीट किया है ना मार्केट में वो किसी गाड़ी ने नहीं किया। गाइस प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन फीचर्स और लुक के मामले में, पावर के मामले में गाड़ी बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार वरना है। ठीक है, वरना और हुंडई की जो क्रेटा है, इन दोनों गाड़ियों ने जो है हुंडई का जो मार्केट बहुत ही काफी शानदार अच्छा जो है वो बनाया है। तो गाइज आज हमारे पास में जो है क्रेटा एनलाइन है, जो कि काफी शानदार वेरिएंट है, BS6 पेट्रोल के साथ में आता है, 1.5 लीटर इंजन के साथ में। आज इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको देंगे, पूरी जानकारी के इसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल का माध्यम से देंगे। गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जो है गाइज पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। गाइज यदि अपन बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की, ठीक है गाइज, तो ये इस तरीके से आपको जो है इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। गाइज यहाँ पर कम्प्लीटली जो फुल्ली जो DRLs है LED में वो यहाँ पर दी गई है, आप कम्प्लीटली देख सकते हैं, फुल जो DRL है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है गाइज, बाकी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो N-Line वेरियंट का जो बेजिंग है काफी अच्छी जो है वो यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है, वो यहाँ पर दी गई है। बाकी गाइज यहाँ पर अपन को जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, काफी यूनिक कंसेप्ट पर जो है वो जो गाइज इसको डिजाइन किया गया है, काफी अच्छा यूनिक लुक है जो वो इसका निकल कर आता है। बाकी गाइज इसकी ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर अपन को ब्लैक ग्लोसी कलर में जो है कंप्लीट जो ग्रिल है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही में गाइज फ्रंट में हुंडई का लोगो है, और खास बात बता दूं गाइज इस लोगो के ऊपर यहाँ पर अपन को 360 डिग्री व्यू जो कैमरा है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हेल्पफुल और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, आजकल सभी गाड़ियों में फीचर आने लगा है। बाकी गाइस नीचे की बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है रेडिएटर ग्रिल है वो यहाँ पर पूरी देखने को मिल जाती है, ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक मेट कलर में जो है ये दी गई है। बाकी आप फ्रंट का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, काफी यूनिक और अट्रेक्टिव लुक जो है वो इसका निकल कर आता है। गाइज बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो ठीक है गाइज यहाँ पर जो अपन को JK के टायर्स दिए गए हैं। ठीक है, यदि गाइज अपन इसके टायर्स की बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है 215/55 R18 के जो है एलोय ट्यूबलेस टायर है JK के, वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है वो इनका निकल कर आता है, और काफी अच्छे परफॉर्म जो है वो यहाँ पर ये टायर करते हैं। गाइज यहाँ पर अपन की इसकी सस्पेंसर की बात करें, ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अपन को MC फेयरसोन जो स्ट्रट विथ कोयल स्प्रिंग का जो सस्पेंसर है वो दिया गया है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेटर जो है, काफी अच्छा जो है ये जाना जाता है। बाकी गाइज इसके अंदर फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क आते हैं। ठीक है गाइज, काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस वो इसके ब्रेक्स का जो निकल कर आता है, एंटी लॉकिंग सिस्टम के साथ में ब्रेक्स आते हैं। गाइज बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, ठीक है गाइज, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा दिया गया है, और यदि बात करें 190 mm का जो है प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो कि अपन रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में जो है अपन को काफी अच्छा जो है वो रिलायबल फील होगा, और काफी अच्छा सपोर्टेबल जो है वो मिलेगा। गाइज यहाँ पर जो है रेड लाइन की, जो रेड कलर की जो स्ट्रिप लाइनिंग दी गई है, काफी जो इनका लुक जो है ना गाइज वो काफी अट्रेक्टिव जो है वो इनका निकल कर आता है। यहाँ पर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर अपन को जो है एनलाइन की जो है गाइज यहाँ पर बेजिंग देखने को मिल जाती है, और यदि ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ये है अपना फ्रंट मिरर, और यहाँ पर जो है डोर जो वाइजर्स हैं, जो वाइपर्स, ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो है अपन को ये वाइजर्स दिए गए हैं। ठीक है गाइज, दोनों साइड में दिए गए हैं। बाकी गाइज आप इसका फ्रंट मिरर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर अपन को जो है N-Line की जो प्रॉपर बेजिंग देखने को मिलती है। गाइज यहाँ पर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स, साइड मिरर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है LED जो DRLs है, LED इंडिकेशन है, वो मिरर्स पर जो है प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है गाइज, बाकी आप जो है साइड से जो व्यू देख सकते हैं, अपना हैंडल है, ठीक है, 5 डोर्स के साथ में जो है ये गाड़ी आती है। बाकी आप पीछे का जो है एक बार पूरा इसका ओवरऑल व्यू साइड प्रोफाइल देख लीजिए, काफी अट्रेक्टिव और लुक है आगे और पीछे गाइज दोनों अपन को जो है वो डिस्क ब्रेक्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गाइज पीछे की बात करें तो यहाँ पर जो है अपन को कम्प्लीट जो DRLs है, टेल लाइट है, वो यहाँ पर DRL में दी गई है, काफी लॉन्ग और काफी गाइज यूनिक
बिल्कुल गाइस, जो है इसकी सबसे प्यारी चीज मैं बता दूं, जो लुक है ना वो गाइस काफी यूनिक और अट्रैक्टिव निकल कर आता है। रात को जब ये ब्लिंक करते हैं ना तो काफी अच्छा यूनिक रिस्पांस जो है, काफी अच्छा रिस्पांस और काफी अच्छा लुक जो निकल कर आता है गाइस। बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है डीप पीछे की तरफ में वाइजर दिया गया है और वाइपर दिया गया है सॉरी, और यहाँ पर जो है अपन को डिफोगर है वो भी यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस यहाँ पर अपन को ब्लैक कलर में ग्लोसी कलर में जो है स्पॉइलर है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी गाइस इसका जो लुक है ना वो काफी अट्रैक्टिव निकल कर आता है। बाकी गाइस यहाँ पर अपन को पीछे बात करें तो यहाँ पर हुंडई की जो है वो यहाँ पर अपन को प्रॉपर बेजिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी एनलाइन की जो है यहाँ पर क्रेटा की जो बेजिंग है आप देख सकते हैं इस साइड में, यहाँ पर जो है क्रेटा की जो बेजिंग है वो यहाँ पर प्रॉपरली दी गई है आप। और नीचे की बात करें तो गाइज इसके अंदर जो है पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं आगे और पीछे, बिल्कुल गाइज फ्रंट और रियर दोनों में जो है पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और जो है गाइज इसके अंदर अपन बात करें तो 360 व्यू के लिए जो कैमरा है वो भी यहाँ पर अपन को प्रॉपरली इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है। ठीक है गाइस, जिससे अपनी गाड़ी का जो प्रॉपर 360 व्यू है वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। बाकी गाइस ये रेड कलर में जो है स्ट्रिप लाइन दी गई है ये भी काफी यूनिक और ग्लोसी लगती है पीछे से। बाकी गाइस साइड की बात करें तो इसमें पेट्रोल वर्जन है ये, और यहाँ पर अपन इसकी फ्यूल टैंक की बात करें तो 50 लीटर का जो है यहाँ पर अपन को प्रॉपर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और यदि गाइस माइलेज की बात करें तो 18 का माइलेज जो है सिटी में इजीली दे देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो है अपन को पीछे के एलईडी इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल हैं, और बाकी अपन का जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं। काफी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं गाइस, डबल साइलेंसर दिए हुए हैं जो कि काफी अच्छा साउंड है जो ये प्रोड्यूस करती है, और काफी जो अच्छा अपन को परफॉर्मेंस है वो भी देखने को मिलता है गाइस। तो इसकी जो है अपन आपको डिग्गी खोल कर दिखाऊं तो गाइस ये है इसकी डिग्गी। गाइस एक बार आप जो है इसका बूट स्पेस देखिए, यहाँ पर अपन को 422 लीटर का जो है काफी लंबा चौड़ा बूट स्पेस जो है वो गाइस यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर अपन को जो है यहाँ पर एक लैंप है वो भी यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाता है गाइस। ठीक है, ये है इसका लंबा चौड़ा बूट स्पेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस है, मैं आराम से लेटा हूँ, आप एक दो जन है वो लेट कर भी जा सकते हैं। काफी मजाक था ये, बल्कि इंफॉर्मेशन के तौर पर बताऊं तो काफी लंबा चौड़ा स्पेस है, पिकनिक पर जा रहे हो घूमने जा रहे हो। ठीक है गाइस, तो आप अपना काफी सारा जो सामान है वो यहाँ पर इसमें रख कर चल सकते हो, और बाकी यहाँ पर जो है अपन को गाइस स्टेपनी है एज यूजर वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफी गाइस ये मेरे को काफी अच्छा फीचर लगाएगा। बाकी गाइस इसको जो है आपको हैंड से ही जो है वो बंद करनी पड़ेगी। ये है क्रेटा एयरलाइन का इंजन जो कि यहाँ पर अपन को 1.5 लीटर का जो है टर्बो JTI पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर के साथ में अपन यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर अपन को 1485 सीसी का जो है वो ये इंजन यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है, जो कि यदि पावर की यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तो 157.57 की जो है BHP पर ये पावर जनरेट करता है, जो कि 5500 RPM पर जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है ये पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी साथ ही में यदि गाइस इसके टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर अपन को 553 mm का जो है 1500 से लेकर 3500 RPM तक जो है वो ये टॉर्क जनरेट करता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। 4 सिलेंडर जो है ये यहाँ पर इंजन आता है, और काफी पावरफुल जो इंजन है वो दिया गया है, काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो दी गई है, टर्बो इंजन है। तो आपको बिल्कुल गाइस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी का माइलेज वगैरह की अपन बात करें तो 18 का जो माइलेज है वो इजीली दे देती है, और काफी अच्छी जो परफॉर्मेंस है वो गाइस इसकी निकल कर आती है। और ये है इसका गाइस ओवरऑल व्यू। ठीक है गाइस इंजन का, ठीक है गाइस, तो इसका अंदर का जो व्यू है वो अपन मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा जो है काफी यूनिक सा, ठीक है, स्पोर्ट्स लुक में जो है वो यहाँ पर अपन को हैंडल दिया गया है गाइस, एयरबैग के साथ में जो है हुंडई की जो है वो प्रॉपर बेजिंग जो है वो यहाँ पर दी गई है गाइस। इसके अंदर जो है ये अपने को जो है कॉलिंग वगैरह के जो अपने म्यूजिक वगैरह के जो मोड्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इस साइड भी जो है अपन को कंट्रोल्स वगैरह है वो यहाँ पर गाइस दिए गए हैं प्रॉपरली। ठीक है गाइस, बाकी गाइस बात करें तो ये अपने पास जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ठीक है, ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो है वो ये दी गई है गाइस। इसका जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम है और जो क्लस्टर है वो पूरा जॉइंट है, और काफी लॉन्ग जो है वो यहाँ पर अपन को ये जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, बात करें तो यहाँ पर जो है अपन को जो डिजिटल मीटर्स है उसके अंदर यहाँ पर अपन को जो है एनालॉग टाइप में जो है ये फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो कि है अपन को ये अपनी जो स्पीड है वो यहाँ पर शो करती है। ठीक है गाइस,
बाकी यहाँ पर बात करें तो अपनी जो गाड़ी है उसका 360 व्यू है वो यहाँ पर अपन को दिखाता है। बाकी गाइज इसके अंदर ये सारे इंडिकेशन है पार्किंग वगैरह के, ठीक है, सीट बेल्ट वगैरह के, बैटरी के, ठीक है। और गाइज यदि अपनी चाबी जो है अभी इस टाइम पर हमारी जो की है वो गाड़ी से बाहर है तो यहाँ पर जो है अपन को ये शो हो रहा है कि की इज नॉट इन व्हीकल, मतलब चाबी जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, यदि आपकी की जो है वो बाहर है और आप गाड़ी के अंदर हो तो आपको ये जो है इंडिकेशन प्रॉपर जो है यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। बाकी गाइज एज यूजुअल यहाँ पर जो अपन को वाइजर वगैरह ये देखने को मिल जाते हैं। गाइज इसके अंदर जो हैंडल है वो टेलीस्कोपिक है, ठीक है, यहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से जो है, ये देखिए गाइज जो प्रॉपरली जो है वो आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी गाइज बात करें ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ठीक है गाइज, यहाँ से जो है अपन को कंप्लीट सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैप वगैरह, नेविगेशन वगैरह, ठीक है, रेडियो, मीडिया। गाइज इसके अंदर इनबिल्ट ऐप भी आता है जैसे कि जियो शॉन, ठीक है, और क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जो है वो सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है गाइज। बाकी बात करें तो इसके अंदर जो है गाइज एसी इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में और काफ़ी यूनिक स्टाइल में जो है वो इसके एयर इवेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पूरा अपना जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो यहाँ पर दिया जाता है, फ़ैन वगैरह के हैं, रियर, फ्रंट, ऑफ, एसी, ऑटो वगैरह के सारे जो हैं टेम्परेचर कंट्रोल हैं वो यहाँ पर जो है सारे फंक्शन हैं वो दिए गए हैं गाइज। इसके अंदर अपन को जो है टाइप सी टाइप जो है सी टाइप सी वो यहाँ पर चार्जर दिया गया है, साथ ही में अपन को यूएसबी चार्जर दिया गया है और यहाँ पर 12 वाट का जो है वो सॉकेट जो है वो भी गाइज यहाँ पर दिया गया है। बाकी गाइज इसके अंदर जो है यहाँ पर वायरलेस जो चार्जिंग है उसका भी जो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी गाइज ये अपना जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है गाइज, बड़ी अच्छी डिज़ाइन में, लेदर डिज़ाइन में इसको जो है वो यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छा जो इन हैंड फील है वो यहाँ पर आता है गाइज, जैसे कि अपन जेट उड़ाने वाले हैं एरोप्लेन के जैसे वैसा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अपन का जो ड्राइव ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह, रियर, न्यूट्रल, ठीक है, ड्राइविंग वगैरह सारे मोड हैं यहाँ पर पार्किंग वगैरह के। गाइज ये यहाँ पर एसी का जो इवेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि फैन का जो है वो यहाँ पर दिया गया है। गाइज यहाँ पर जो है 360 व्यू आ रहा है, ठीक है गाइज, ये देखिए यहाँ से अपन को जो है 360 व्यू जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है गाइज, ये देखिए ये अपनी गाड़ी का जो है वो 360 व्यू है, ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं प्रॉपरली, ये है अपनी गाड़ी का जो है वो प्रॉपरली जो है गाइज 360 व्यू है, और ये यहाँ से आप प्रॉपरली जो है गाइज इसको देख सकते हैं। ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा, ये देखिए गाइज पीछे का और फ्रंट का, ठीक है गाइज, ये यहाँ पर जो है अपन को फंक्शन काफ़ी अच्छा जो है मिल जाता है। बाकी गाइज यहाँ पर जो है कप होल्डर दिए गए हैं अपन को जो है वो यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाता है, ठीक है गाइज, प्रॉपरली आप जो है अपना सामान वगैरह कुछ कीज वगैरह वो यहाँ पर जो है रख सकते हो। बाकी गाइज वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर अपन को जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक सीट है वो यहाँ पर जो है फ्रंट में ही देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं जो प्रॉपरली इसको जो है वो कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पर जो है गाइज यदि अपन इसके गेट की बात करें तो गाइज यहाँ पर जो है अपन को लेदर फिनिशिंग मिलती है, ठीक है गाइज, ये जो आर्मरेस्ट है यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर अपन को लेदर फिनिशिंग मिलती है वाइट कलर में, काफ़ी अच्छी और यूनिक। गाइज जो बोस के जो स्पीकर्स हैं वो प्री लोडेड स्पीकर्स जो है वो यहाँ पर अपन को मिलते हैं, जो कि बेस क्वालिटी और जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा और लाउड जो है वो इनका आता है, और काफ़ी अच्छा जो बेस है वो भी इनसे जो है काफ़ी अच्छा आता है। बाकी गाइज यहाँ पर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो है कंट्रोल, मिरर कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है अपन अपने जो मिरर है उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने लॉक अनलॉक के बटन है, यहाँ पर अपने जो है मिरर लॉक्स बटन है, यहाँ पर अपना जो है इसको जो है अप और डाउन के सारे स्विचेज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी गाइज बात करें तो यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड है यहाँ पर अपन को मेटल में जो है वो यहाँ पर जो स्पीकर है वो यहाँ पर दिया गया है। बाकी गाइज ब्लैक मैट कलर फिनिशिंग में और यहाँ पर वाइट कलर के अंदर ये जो है डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी यूनिक जो है लुक जो है वो इसका निकल कर आता है। और गाइज जो इंफोटेनमेंट और ये जो सिस्टम है काफ़ी लॉन्ग और काफ़ी जो अच्छा है वो यहाँ पर दिया गया है। बाकी गाइज यदि अपन बात करें वेंटिलेटेड सीट की तो जो यहाँ पर जो है ये ड्राइवर सीट का है, यदि मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ तो अपनी जो सीट है वो वेंटिलेशन जो है वो चालू हो गया है, अपनी सीट से जो है हवा है वो यहाँ पर आती है। गाइज इसको जो है अपन
जो स्पीड है इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो है, यहाँ पर अपन ने तीन कर दी, ठीक है, दोनों साइड में दोनों सीट के लिए यहाँ पर जो है दिया गया है। बाकी गाइज ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी गाइज इसके एयरबैग की बात करें तो जो फर्स्ट एयरबैग है वो यहाँ पर ड्राइवर साइड और दूसरा पैसेंजर साइड, ऐसे ही जो गाइज इसके अंदर अपन को जो है फोर एयरबैग्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, एज यूजल यहाँ पर जो है अपन को ये थोड़ा सा स्टोरेज है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो है ये फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर अपन को जो है ऐसे इवेंट्स हुए वो यहाँ पर अपन को जो है देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइज बात करें इसके फ्रंट व्यू की तो गाइज ये एसोसो के साथ में आता है। ठीक है, मिरर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है अपना जो ग्लव्स वगैरह है, चश्मा वगैरह उसके लिए जो होल्डर है वो यहाँ पर दिया गया है। और बाकी गाइज ये लाइट्स है, गाइज इसके अंदर सनरूफ भी है। सनरूफ के खोलने के दो तरीके हैं गाइज, एक जो है आप यहाँ से मैन्युअली ऑपरेट करके इसको खोल सकते हैं, दूसरा गाइज यहाँ पर जो है वॉइस कमांड के साथ में आता है, तो है यहाँ से अपन वॉइस कमांड से भी जो है वो सनरूफ को खोल सकते हैं। बाकी मैनुअल मैंने आपको बताया, यहाँ से जो आप इसको जो है प्रॉपरली यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी गाइज ये इसके सारे फीचर्स थे। गाइज पीछे की जो है अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है रियर एसी इवेंट्स वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनको आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अपन को जो है यहाँ पर छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल वगैरह वो रख सकते हो। यहाँ पर गाइज दो टाइप सी चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर अपन को दिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर मेरे को लगा। बाकी गाइज पीछे भी दोनों डोर्स में जो है अपन को बोस के जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर प्रीलोडेड मिलते हैं, जो कि इनका साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी और अच्छे बेस के साथ में जो है ये दिए गए हैं। गाइज इसके अंदर जो सनरूफ वाले जो है, ठीक है, ये जो अपन लोकल भाषा में जिसको सनरूफ वाली जाली जो बोलते हैं, अपन को इतना ध्यान नहीं है, आप इनको जो है देख लेना, कर्टन बोलते हैं इनको। ठीक है, ये भी जो है कंपनी पीछे के रियर में जो है दोनों साइड में जो है ये प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ठीक है, कंपनी देती है इनको, तो ये भी एक अच्छा फीचर लगा मेरे को। बाकी गाइस जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, लेदर सीट कवर्स हैं और यहाँ पर जो है अपन को कप होल्डर भी है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। बाकी गाइस आर्म रेस्ट के लिए यहाँ पर जो है क्रेटा की तरफ से पिलोज दिए गए हैं छोटे से, जो कि अपन को काफ़ी जो है लंबे सफ़र में काफ़ी यूजफुल और अपन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। बाकी गाइस जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो यदि आप लंबा सफ़र करते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट कार ये होने वाली है। और आप पांच जने हैं, आपकी एक छोटी सी फैमिली और अच्छी गाड़ी आप यदि लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप इस गाड़ी के साथ में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में आती है। ठीक है गाइज, गाइज यदि अपन इसके कलर्स की बात करें तो ये सिक्स कलर्स में जो है अवेलेबल है, वाइट, ग्रे, ब्लू और ब्लैक। और वेरिएंट की बात करें तो गाइज 12 वेरिएंट्स में, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना है गाइज, 12 वेरिएंट में जो है ये अवेलेबल है अपन को। ठीक है, यदि बेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है 11,82,000 और यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 19,63,000 की ऑन रोड प्राइस होने वाली है बेस मॉडल की। वहीं यदि अपन गाइस टॉप मॉडल की तरफ जाएं और टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पर अपन को जो है एक्स शोरूम प्राइस है वो 20,44,000 की एक्स शोरूम प्राइस मिलने वाली है और यदि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यहाँ पर अपन को 23,83,000 की जो है वो यहाँ पर अपन को ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है। गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? ठीक है, आप भी प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो गाड़ी लेने का, तो गाइस सिक्कर आरटीओ राजस्थान, सिक्कर आरटीओ से यदि आप गाड़ी लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वीडियो दिखा कर यदि आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ में जो है गिफ्ट वाउचर भी जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो गाइस आप बिल्कुल यदि लेना चाहो तो बिल्कुल बहुत ही शानदार फीचर के साथ में गाड़ी आती है। बाकी गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो आपका दोस्त, रिलेटिव, भाई कोई भी जो है गाड़ी लेना चाहता है उसको एक बार जो है हमारा ये वीडियो जो है वो शेयर कर देना, ताकि कुछ प्रॉफिट जो है वो उनका हो पाए। ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।